आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो तमाम टैब्स और उसमें मौजूद टूल्स आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि ये तमाम टैब्स और तमाम टूल्स आपके हाइड रहे और एज पर नीड वो अवेलेबल हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए कॉर्नर राइट पर मौजूद रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के बटन पे आप जस्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पर तीन डिफरेंट कैटेगरीज या तीन डिफरेंट सिचुएशन दी हुई है। ऑटो हाइड रिबन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके तमाम टैब्स और तमाम आइकॉन्स हाइड हो जाएंगे, और अगर आपको ये वापस चाहिए तो जस्ट सबसे टॉप पर अपने माउस को लेके जाएं, आपके पास टैब से रिलेटेड एक लेयर आ जाएगी, जस्ट उस पर क्लिक करें, आप देखें आपके तमाम टैब्स और तमाम शॉर्टकट्स विजिबल हो गए। लेकिन ये टेम्पररी है, जैसे ही आप अपने पेज पर क्लिक करेंगे अगेन ये टैब्स और ये शॉर्टकट्स हाइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम टैब स्क्रीन पर परमानेंटली नजर आए, शॉर्टकट्स नहीं, तो ऐसा करने के लिए आप अगेन इस डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और यहां से ऑप्शन रिबन पर क्लिक करते हैं और शो टैब के बटन पर क्लिक करते हैं। अब की बार आप देखें कि तमाम टैब्स आपको नजर आ रहे हैं लेकिन कोई भी टूल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाएंगे। ये भी टेम्पररी है, जैसे ही आप पेज पर क्लिक करेंगे आपके ये टैब्स ऑटो हाइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तमाम टैब्स और उसमें मौजूद टूल्स आपको परमानेंटली नजर आए, तो ऐसा करने के लिए आप डिस्प्ले रिबन ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर शो टैब एंड कमांड्स के बटन पर क्लिक करेंगे। अब की बार तमाम टैब्स और तमाम ऑप्शंस आपको परमानेंटली यानी तमाम टूल्स आपको परमानेंटली नजर आ रहे हैं। अगर आप इन टूल्स को टेम्परी तौर पर हाइड करना चाहते हैं तो इन टूल बार के कॉर्नर पर राइट साइड कॉर्नर पर आपको कोलैप्स का बटन नजर आएगा, जस्ट आप इस कोलैप्स के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास टैब है लेकिन उसके मौजूद टूल्स डिस्प्ले नहीं हो रहे, ये ऑटो हाइड है। जैसे ही आप टैब के बटन पर क्लिक करेंगे, किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तमाम उससे रिलेटेड टूल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप पेज पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम टूल्स आपके हाइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि तमाम टूल्स परमानेंटली आपके पास रहें, तो अगेन अब की बार यहां पिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके ये तमाम टूल्स अब परमानेंटली आपको नजर आएंगे।